एंटी नारकोटिक सेल की टीम का नशा तस्करों पर प्रहार लगातार जारी है। इसी कड़ी में एनसी की टीम ने 15 ग्राम हीरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ये लंबे समय से नशा तस्करी का काम कर रहा था। टीम ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे एक दिन के रिमांड पर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, इसकी प्रॉपर्टी की भी जांच की जाएगी। एएनसी और रणजीतपुर पुलिस चौकी ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर इसे काबू किया। कल शाम को हमारे को रणजीतपुर एरिया से एक इंडिमेशन मिली थी कि रणजीतपुर एरिया में एक युवक नशीले पदार्थों का बिक्री कर रहा है, जिसके आधार पर हमने एक अपनी टीम को गठित किया और उसके साथ जो चौकी रणजीतपुर है, चौकी इंचार्ज, उसको भी टीम में शामिल किया। जो रणजीतपुर चौकी कर्मचारी और हमारी टीम के कर्मचारियों ने, दोनों ने एक टीम बनाकर रेड की, जो उस रेड के दौरान हमने एक युवक को पकड़ा, उसका नाम पूछा, जो जिसने अपना नाम विपिन उर्फ लीलू बताया, जो रणजीतपुर का ही रहने वाला है, और मौके पर लाल सिंह एसडीओ को बुलाकर उसकी तलाशी ली गई, जो उसकी पोजीशन से 15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। तो उससे पूछताछ चल रही है और वो कहां से लाता है और इसके साथ कौन कौन इन्वॉल्व है, उस पर हमने कोर्ट में पेश करके एक दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जो अभी 33 जाती है, जो इसकी करीब 70,000 रुपए के आसपास कीमत है। बैक हिस्ट्री जो पता लगा, काफी दिनों से बेच रहा था, और जब भी पुलिस रेड करती थी पुलिस को देख के दौड़ जाता था, जो कल हमारे को इसमें सफलता मिली। और इसकी प्रॉपर्टी की भी जांच कर रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी इसने नशीले पदार्थ से बेचकर बनाई है तो उसको भी जो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर के द्वारा मुहिम, नशे को लेकर एक मुहिम चलाई रही है, उसको लेकर हम आपके माध्यम से पब्लिक और नौजवान युवकों को एक संदेश देना चाहते हैं कि ये नशा है जो बहुत खराब चीज़ है, जो इसको छोड़ें, और जो भी नशा बेच रहा है उसके तुरंत प्रभाव से हमारे को सूचना दें और जिसका नाम गुप्त रखा जाएगा।